Sony Live. We live to entertain. Download the app. Latest episodes देखने के लिए Sony Live app download करें. Sony Live. We live to entertain. महाविनाशनी? इस प्रश्न का उत्तर है मेरे पास रानी परी. महाविनाशनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई परीलोक में प्रवेश करने की? बिजदार परे, 24 घंटे में ये परीलोक मेरा होने वाला है. मेरे घर में आने के लिए मुझे हिम्मत की क्या आवश्यकता है? खुली आंखों से सपने देखना छोड़ दो और बताओ हमें क्यों आई हो यहाँ? तुम जानना चाहते हो ना कि बालवीर जिनिस्तान क्यों गया? मैंने एक छोटी सी चाल चली. मानव मेहर को एक चिराग में कैद करवा के मैंने जिनिस्तान भिजवा दिया. क्या? क्या? और बालवीर? बालवीर तो है ही बच्चों का रक्षक, तो उनकी रक्षा करने के लिए बालवीर भी मानव मेहर के पीछे जिनिस्तान चला गया. महाविनाशनी, अपनी शक्तियों को व्यर्थ मत करो परियों. तुम सब की शक्तियों का इस्तेमाल अब मैं करूंगी बुराई के लिए. 24 घंटे हैं तुम सबके पास. तुम सबको मेरी दासी बनना पड़ेगा, और जो भी अपनी मर्जी से दासी नहीं बनेगा वो याद रखे कि परिलोक में विनाश का ऐसा तांडव आएगा कि कोई भी नहीं बचेगा. याद रखना परियो, 24 घंटे. 24 घंटे तो दूर की बात है महाविनाशिनी. अब तुम्हारे पास 24 पल भी नहीं है. परियो, ये घड़ी हम सब के लिए संकट की घड़ी है, इसीलिए हम सबको सूझबूझ से काम लेना होगा. हम किसी भी कीमत में बालवीर को वापस ला के रहेंगे, लेकिन उससे पहले एक कार्य करना अति आवश्यक है. बुझदार परी, भटकाती परी, आप दोनों मानव और मेहर का रूप धारण करके उनके घर में जाइए. अब तो मानव मेहर को बुलाइए. मेरा मानव मेहर है ना स्टोर रूम में. वो तुम्हारे स्कूल में कंपटीशन है ना एंटिक चीजों की, तो वो चीजें ढूंढने स्टोर रूम में गए हैं. वो आते हैं तब तक हम लोग एक्सरसाइज करते हैं. चल दौड़. दादाजी, अब मेहमानों का स्वागत योगा से करते हो? आपको तो पिज्जा से करना चाहिए. हाँ। कोल्ड ड्रिंक खोल के करना चाहिए. फ्रेंच फ्राइज खिला के करना चाहिए. पास्ता खिला के करना चाहिए. हाँ। क्या बोल रहा है तू? इन सब चीजों का नाम लेने से भी वजन बढ़ जाता है मालूम है तुझे? एक्सरसाइज शुरू करो. दादाजी थक गए. थक गए? हाँ. ठीक है तो रुक जा. अब मैं तुम्हें ऐसी एक्सरसाइज कराऊंगा जिससे तुम्हें थकान महसूस नहीं होगी. देखो क्या करना है. ये देखो गर्दन, देखो मेरी गर्दन, देखो तुम्हारी गर्दन, देखो. अरे कैसी पतली है. ऐसी गर्दन होनी चाहिए समझे. देखो अभी मैं गर्दन की एक्सरसाइज सिखाता हूँ. एक काम करो, इधर पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ. ऐसे कमर पे हाथ रखो. अभी है ना, मैं जो लेफ्ट राइट बोलूंगा उस तरफ तुम्हें गर्दन को झटकना है. एक बार करके दिखा दो. लेफ्ट, ऐसे झटक. मैं बोलूंगा राइट, तो राइट साइड झटक. ओके, समझ गए? शुरू करो. लेफ्ट, राइट. नहीं अटका हूँ. ये दोनों अटक गए, गर्दन अटक गई इनकी. छुड़ा. क्या हुआ? अरे भाभी की गर्दन अटक गई है. कोई बात नहीं. बेटा आइडिया, मैं भी रस्सी लेके आता हूँ.
मानव मैर से नहीं मिलना है तुमको। अरे बापूजी ये लोग तो चले गए। अच्छा रॉकी भैया आप एक काम कीजिए, आप स्टोर रूम से मानव और मेहर को बुलाकर लाइए। मैंने उनके लिए चाइनीज मंगवाया, महेश भी लाते ही होंगे। चाइनीज? और बापूजी आप खाना खाने चलिए, मैंने आपके लिए करेले की सब्जी बनाई है। इसको पकड़कर अभी पता लगाता हूँ क्या आखिर मानव मेहर को इससे कहाँ छुपा कर रखा है। ठहरो। अरे मानव मेहर चलो जल्दी चलो, भाभी ने खाना खाने के लिए बुलाया, मोटा भाई चाइनीज फूड लेने गए। किंतु हम पृथ्वी लोक का आहार नहीं लेते। क्या क्या नहीं लेते? चाइनीज फूड। मानव के कहने का ये मतलब है कि अभी उसे चाइनीज फूड खाने का मन नहीं है। हाँ सही कहा भटका थी परी ने। परी कौन परी कहाँ है परी? हम मतलब मैं मैं आपको समझाती हूँ। वो सुबह से मानव मेरी हिस्ट्री की किताब मांग रहा है, तुम तो मस्का लगा रहा है परी परी कह के। अच्छा अच्छा ओ हाँ हिस्ट्री से याद आया, मोंटू और रोहित आए थे। मोंटू और रोहित का हिस्ट्री से क्या लेना देना? हाँ। हिस्ट्री से लेना देना है ना, क्योंकि जब भी मोंटू हमारे घर आता है तो उसकी बैंड बजती है, आज भी उसकी बैंड बजी थी। अच्छा आज क्या हो रॉकी चाचू? अरे आज बापूजी ने मोंटू और रोहित से योगा कराया और योगा करते करते उन दोनों की गर्दन ऐसे अटक गई और अटक के वो लोग ऐसे भाग गए। अच्छा रॉकी चाचू अब बातें बंद कीजिए, चलिए ना हमें बहुत भूख लगी है, चाइनीज फूड खाते हैं। हाँ चलो चलो चलो। सेज़वान राइस और मंचूरियन आ गया है। चलो आइए। मेहर मानव बल्लू। अरे कमाल है, चाइनीज का नाम सुनते ही बच्चे भागे चले आते थे, आज कोई क्यों नहीं आ रहा है? ये एंटीक है क्या? प्रोजेक्ट के लिए एंटीक चीजों को ढूंढने में बिजी होंगे, अभी बुलाता हूं मेहर। मानव बेटा, बेटा बल्लू। बादशाह की जय हो। पितुरी। बादशाह की जय हो, बादशाह की जय हो। तो हमने सही पहचाना, तुम फितुरी ही हो। हमें देखकर तुम अपना मुंह क्यों छुपा रहे थे? नहीं नहीं बादशाह, मैं आपको देखकर अपना मुंह कैसे छुपा सकता हूँ, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ। उल्टा मैं तो आपके महल में आके ही आपसे ये कहने वाला था कि मैं वापस लौट के आ चुका हूँ, अगर कोई हुकुम हो तो बताइए। लेकिन तुम इतनी जल्दी वापस कैसे लौटा है? तुम्हारी सजा तो अब तक खत्म नहीं हुई है। हाँ बादशाह, वो बात ये है कि मेरे अच्छे कामों को देखकर मेरे चिराग ने मेरी सजा कम कर दी और मुझे आजाद कर दिया बादशाह। तुम और अच्छे काम, हमें यकीन नहीं होता। हम तुम्हारे फितूर से और जेनिस्तान के नियमों को तोड़ने की आदत से अच्छी तरह वाकिफ है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो इंसान आज जेनिस्तान आया है वो तुम्हारी वजह से आया हो? नहीं नहीं बादशाह, नहीं नहीं, मैं इंसानों को यहाँ पे कैसे ला सकता हूँ, जेनिस्तान के नियमों को कैसे तोड़ सकता हूँ, बल्कि मैं तो सुधर गया हूँ ना बादशाह। कितना झूठ बोल रहा है ये। एक बार मुझे मानव मेहर मिल जाए फिर इस फितूरी को मैं खुद बादशाह से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। फितूरी, अगर हमें पता चला कि तुम झूठ बोल रहे हो तो हम तुम्हें जेनिस्तान की आग के कुएं में छोक देंगे, समझे? बादशाह की जय हो, बादशाह की जय हो। भाई देखना, उस इंसान को मैं छोड़ूंगा नहीं। फितूरी कहाँ चला गया? मैं मानव मेहर को कैसे ढूंढूं?
अभी आप जिससे पूछो कि तुर आखिर रहता कहाँ है, यहाँ मेरी मदद कौन करेगा?